हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ स्टेशनरी और टॉयज का बहुत ही प्यारा कलेक्शन। और आप देख सकते हैं कितनी सारी कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें आज हमारे पास। हमारे पास बस वाला पेंसिल बॉक्स है, हमारे पास बेंटन वाला कैलकुलेटर वाला पेंसिल बॉक्स है, और हमारे पास बहुत सारे 3D इरेजर्स और 3D शार्पनर्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारी चीजें, और सबके प्राइस भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के इनका रिव्यू जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको दिखाऊंगा हमारी जिसके ऊपर सबकी नजर है, वो है हमारी मेटल वाली बस वाली पेंसिल बॉक्स। ये देखो गाइस, इस पेंसिल बॉक्स को आप कुछ इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और ये पूरा मेटल का बना हुआ है। इसके अंदर व्हील्स भी लगे हुए हैं जो कि घूमते भी हैं, और आप चाहे तो इस बस को कुछ इस तरीके से चला करके भी खेल सकते हैं। और इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें स्टेशनरी आइटम अपनी रख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जो है ये ओपन होता है, और ये देखिए गाइस, ऐसे ओपन होने के बाद इसके अंदर इतने सारे स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इस वाले स्पेस में आपको 1 से 9 तक टेबल भी देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पर आप 3 जगह पर अपना सारा स्टेशनरी आइटम आप आराम से रख सकते हैं। और इसका मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा है, कुछ इस तरीके से खुलती है, कुछ इस तरीके से जो है बंद होती है। बहुत ही प्यारी चीज है। और ये पेंसिल बॉक्स जो मेटल की है, हमने 200 रुपीज में जो है ऑफलाइन मार्केट से खरीदी है। ये आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे पास है यूनिकॉर्न की सुपर कूल पूपी स्लाइम। ये देखिए गाइस, यूनिकॉर्न की हमारे पास स्लाइम की बॉटल है, और इसके अंदर जो स्लाइम होता है बिल्कुल पानी की तरह एकदम लिक्विड वाला होता है, और आपको दिख भी रहा होगा काफी बढ़िया कलरफुल होता है एकदम ये। तो मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ। और ये बॉटल गाइस हमने जो है 60 रुपीज में खरीदी है। तो 60 रुपीज में कैसा स्लाइम देखने के लिए मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, इतना सारा एकदम गिलगिला स्लाइम, देखिए ये देखिए गाइस कितना कलरफुल स्लाइम है। देखो कैसे मूव करता है, एकदम ऐसा लगता है शैम्पू है, शैम्पू की तरह ये नजर आता है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, और देखो कैसे ये हिल रहा है एकदम, देखो जैसे किसी कोई एलियन हो, बिल्कुल एलियन की तरह ये हिल रहा है। ये देखो ये लटक भी गया कुछ इस तरीके से, है ना गाइस, कितना बढ़िया स्लाइम यहाँ पर गिर गया है। तो इसको उठा लेते हैं और इसको वापस से बॉटल के अंदर जो है रख देते हैं। और ये गाइस काफी बढ़िया स्लाइम है। आई होप आपको भी ऐसा स्लाइम, अगर किसी के पास ऐसा स्लाइम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इसको भी रख देते हैं। और इसके बाद गाइस मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ काफी प्यारी चीज, ये है गाइस एक मैजिक कप। ये देखिए इधर मैजिक कप लिखा भी, आप सोचेंगे मैजिक कप कप तो ये लग ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, कैप को हटाना है और इस कप को ऐसे धक्का मारना है, और ये देखिए ये कप बन गया। इसके अंदर आप चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक सब कुछ इसके अंदर पी सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से बंद करो, ऐसे खोलो, ऐसे झटका मारो और कप बाहर। ये मैंने 30 रुपीज का सिंगल कप जो है खरीदा था, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखिए गिटार। इस गिटार के अंदर बहुत सारी इरेजर्स हैं, ये देखिए, और मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ। और ये देखिए ये रही वो सारी की सारी कलरफुल इरेजर्स, और इसके अंदर से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए है ना गाइस कितनी सारी इरेजर, और ये सारी की सारी इरेजर विद गिटार मैंने 30 रुपीज में खरीदी है। तो ये इरेजर्स आप बहुत लंबे समय तक जो है यूज कर सकते हैं, काफी बढ़िया जो है ये गिटार है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास एक बहुत ही प्यारा पेन। ये देखिए ये है जिराफ वाला पेन। जैसे कि जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, तो इस पेन की नेक भी बहुत लंबी है, और इधर जिराफ वाला फेस भी दिया गया है। ये देखिए, और आप चाहे तो इसको कुछ इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं। देखिए जिराफ की टेल भी यहाँ पर दी गई है, ये देखिए, और ये फ्रंट है जिराफ का। कुछ इस तरीके से आप इसको ऐसे करेंगे तो एकदम ये देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और आप चाहे तो इसको ऐसे स्टैंड भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया है, बट ये है एक पेन, और इसको आप एज अ पेन यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से निकाल के आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना गाइस, कितना बढ़िया ये जिराफ वाला पेन। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। ये 50 रुपीज का पेन हमने खरीदा है। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास है यूनिकॉर्न का एक बहुत ही प्यारा पाउच। ये देखिए यहाँ पर यूनिकॉर्न है, और इधर भी यूनिकॉर्न, इधर यूनिकॉर्न लिखा हुआ है, और इधर एक स्ट्रैप दी गई है इसको ऐसे लटकाने के लिए, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया 2 जिप दी गई है। इसको आप ऐसे खोलेंगे और इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें अपनी जो है रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सारी चीजें इसके अंदर आराम से आ जाती है, और काफी हैवी ड्यूटी है ये। इसके ऊपर आप वजन भी रख देंगे तो इसके अंदर का रखा हुआ सामान जो है नहीं टूटेगा। ये देखिए काफी बढ़िया ये पाउच है, और ये हमने जो है 60 रुपीज में खरीदा है। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत बढ़िया एक आउल फैमिली वाली इरेजर सेट है। ये मम्मी आउल है, ये डैडी आउल है, और इनके एग में से निकलने वाले 3 बेबीज हैं। ये देखिए काफी बढ़िया ये इरेजर का सेट है, ये हमने जो है 50 रुपीज में लिया है 5 इरेजर्स। ये कैसे लगी जरूर बताना कमेंट में। और मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास काफी सारे शार्पनर्स भी हैं। ये फ्लावर वाला शार्पनर है हमारे पास, ये देखिए इधर से पेंसिल डाल के आप शार्प कर सकते हैं पेंसिल को, और बाद में जो कचरा है वो कुछ इस तरीके से इसको खोलेंगे
तो इस तरीके से इसको हटा के जो है सारा इस, मेरे नेल्स छोटे हैं गाइस इसलिए मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूं, तो इसको ये कैप जो है हट जाती है और इसके अंदर से आप जो है सारा कचरा बाहर फेंक सकते हैं। ये 10 रुपीज का शार्पनर है। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास है बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल्स वाला एक इरेजर का सेट और वेजिटेबल और फ्रूट्स वाला। ये देखिए इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर है हमारे पास आधा कटा हुआ एप्पल, ये एक इरेजर है गाइस। और ये देखिए पाइनएप्पल है ये हमारे पास। और ये देखिए ये हमारे पास मैंगो, आई थिंक ये मैंगो या गुआवा है। और ये हमारे पास ये देखिए वाटरमेलन वाला इरेजर है। और ये देखिए गाइस ये हमारे पास मौसम्बी वाला और या फिर आप लाइम वाला नींबू वाला इरेजर भी इसको बोल सकते हैं, है ना गाइस। कितना प्यारा इरेजर का सेट, ये हमने 40 रुपीज में लिया है और 40 रुपीज में कुछ इस तरीके से प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर जो है ये हमें मिलता है, जो कि एकदम बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसको भी रख देते हैं। और इसके बाद गाइस हमारे पास ही यूनिकॉर्न का एक बहुत ही प्यारा मल्टी कलर वाला बहुत बढ़िया पेन है, ये गर्ल्स को बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए इसके ऊपर एक फर लगा हुआ होता है बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए बहुत सॉफ्ट फर है गाइज। इसको पकड़ के जब आप काम करेंगे इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए इधर यूनिकॉर्न बना हुआ है बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी निब्स दी गई हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स दिए गए, स्काई ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, पर्पल, ब्लैक। तो आपको जो भी कलर यूज करना है वो आप कुछ इस तरीके से निकाल के यूज कर सकते हैं, है ना गाइज। कितना बढ़िया पेन, ये 80 रुपीज का जो है हमने ये वाला पेन जो है खरीदा है। ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद हमारे पास दो बहुत ही बढ़िया शार्पनर्स हैं हमारे पास। ये देखिए ये हमारे पास फ्रेंच फ्राइज वाला शार्पनर है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स वगैरह में मिलता है। और ये हमारे पास बर्गर वाला शार्पनर है। ये देखिए काफी बढ़िया लग रहे हैं दोनों, मैं आपको निकाल कर भी दिखाता हूँ। ये देखिए तो ये हमारा शार्पनर है फ्रेंच फ्राइज वाला, ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है नजर आता है, ये देखिए। और इधर से पेंसिल डाल के आप शार्प कर सकते हैं, ये रहा इसका ब्लेड, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ अपना सेकंड वाला। और ये वो गाइस ये देखिए बर्गर वाला हमारा जो है शार्पनर है, इसको भी निकाल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा बर्गर वाला शार्पनर है, जो कि बहुत ही बढ़िया एकदम रियल बर्गर जैसा नजर आता है, ये देखिए। और इसमें भी आप इधर से पेंसिल डाल के शार्प करेंगे, इधर ब्लेड है, इधर से कचरा जो है बाहर आ जाएगा। ये देखिए गाइस ये हमने जो है 20 रुपीज में ये फ्रेंच फ्राइज और बर्गर वाले शार्पनर हमने खरीदे हैं। अगर आपने भी ऐसे शार्पनर देखे हो तो कमेंट में जरूर बताना गाइस। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस हमारे पास जो है बेन 10 वाला एक कैलकुलेटर वाला पेंसिल बॉक्स है, जिसके ऊपर सबकी नजर होगी अभी तक, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इतना बढ़िया लग रहा है गाइज, ये देखिए इधर हमारा बेन 10 और बेन 10 ने अपनी वॉच भी पहनी हुई है। ये देखिए गाइज इधर कैलकुलेटर दिया गया है, इधर ऑन ऑफ का बटन है, ये देखिए ऑन हो गया। और इसके अंदर आप जो मर्जी चाहे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए सारा एकदम सारे बटन इसके बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं, यहाँ पर भी देखिए बेन 10 दिया गया है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बटन दिए गए हैं। ये मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखिए ये बटन दबाने से यहाँ से एक स्पेस निकल के आता है, इसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं। और ये बटन दबाएंगे तो यहाँ से भी एक स्पेस जो है निकल के आता है, इसके अंदर भी आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं अपनी। और ये वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ से शार्पनर निकल के आता है, और ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पर इरेजर रखने के लिए भी एक जगह निकल के आती है। ये देखिए 4-4 सीक्रेट स्पेस इसके अंदर मिलेंगे आपको। और इधर से आप खोलेंगे तो यहाँ पर अपनी पेंसिल वगैरह अटका के रख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। और इधर से आप घुमाएंगे इसको पीछे से तो उसके पीछे भी आपको बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। और 1 से 9 तक टेबल भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, ये देखिए। और यहाँ पर आप जो है अपना नेम और क्लास भी लिख सकते हैं, ये देखिए। ये कैसी लगी आपको पेंसिल बॉक्स जरूर बताना कमेंट में। ये 160 रुपीज में हमने जो है ऑफलाइन मार्केट से खरीदी है, आपको कैसी लगी जरूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी पेंसिल बॉक्स है तो भी कमेंट में जरूर बताना हमें। और इसके बाद हमारे पास बहुत ही बढ़िया चीज है आप सबके लिए, ये देखिए हमारे पास है एक बाइक वाला शार्पनर, ये देखिए। और जो व्हील्स हैं वो इरेजर का काम करते हैं, इनसे आप मिटा सकते हो और यहाँ से जो है पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो। और इसके आप साथ चाहे तो इस तरीके से इसको चला करके खेल भी सकते हो। तो ये बाइक वाला इरेजर और शार्पनर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसका प्राइस है गाइस 20 रुपीज। और इसके बाद सेम ऐसी ही चीज हमारे पास एक और है, जो है एक स्कूटर वाला या फिर स्कूटी वाला शार्पनर। इधर से आप पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो, ये देखिए। और बाद में इसको इस तरीके से खोल के इसकी सीट को हटा के यहाँ से कचरा निकाल करके आप फेंक सकते हो। ये कैसा लगा स्कूटर जरूर बताना। इसका प्राइस भी 20 रुपीज है, इधर आई एम स्टायर लिखा हुआ है और इधर स्टैंड भी दिया गया है। आप इसको चाहे तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर इसको आप खड़ा भी कर सकते हैं, एकदम रियल स्कूटर की तरह ये खड़ा भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा स्टैंड भी दिया गया है। ये भी काफी बढ़िया शार्पनर है गाइस।
और इसके बाद गाइज हमारे पास ये देखिए बहुत ही बढ़िया चीज आपके लिए, ये कैट वाली इरेजर हमारे पास, ये प्लास्टिक बॉडी है बट इरेजर इसके पीछे दी गई है, इसको आप कुछ इस तरीके से ऐसे निकाल सकते हो, ये पूरी इरेजर बाहर आ जाती है और इसे आप इरेज करके वापस से इसको अंदर कर सकते हो। तो ये काफी प्यारी और काफी यूनिक इरेजर है हमारे पास, इसका प्राइस है 20 रुपीज। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास है लिपस्टिक वाली इरेजर, ये देखिए लिपस्टिक आपको नजर आ रही होगी बट ये एक इरेजर है, इसको ऐसे निकालेंगे और ऐसे गोल घुमाएंगे तो हमारी इरेजर बाहर आ जाती है, इससे आप मिटा सकते हो ये देखिए, और वापस से इसको अंदर करके आप इस तरीके से रख सकते हो। ये गर्ल्स को स्पेशली ये वाली इरेजर बहुत अच्छी लगेगी, इसकी प्राइस है 15 रुपए। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे पास है ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्पून वाला पेन, ये देखिए ये आपको स्पून नजर आ रही होगी रियल एकदम, तो इससे आप सच में आप खा भी सकते हैं ये देखिए कुछ इस तरीके से, और आप इस पेन से लिख भी सकते हैं ये देखिए, ऐसे खोल के आप इससे लिख पाएंगे, देखिए पेन कितना अच्छा चल भी रहा है, ये देखिए है ना गाइस कितना यूनिक पेन स्पून वाला, ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, इसका प्राइस है 30 रुपीज। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास है सेम बटर नाइफ वाला पेन भी है, ये देखिए इससे आप इस तरीके से बटर लगा सकते हैं ये देखिए, और इधर से आप जो है लिख भी सकते हैं, ये गोल्डन कलर का है, काफी बढ़िया लगता है और एकदम रियल जैसा ही ये नजर आता है, ये पेन भी बहुत अच्छे से जो है काम करता है ये देखिए, ये भी इसका प्राइस भी 30 रुपीज है, ये कैसा लगा जरूर बताना। और इसके बाद गाइस हमारे पास है नाइफ वाली अनशार्पनेबल पेंसिल, इसके ऊपर कॉम्ब दिया गया है, कैट वाला कॉम्ब है, इससे आप अपने बाल वगैरह कंघी कर सकते हैं चाहे तो, और ये देखिए इसको ऐसे खोलेंगे तो इधर बहुत सारी अनशार्पनेबल लिप्स दी गई है, इस तरीके से लिड्स को इधर से डालेंगे तो एकदम न्यू लिड जो है बाहर इधर से आ जाती है, तो आपकी इसके अंदर बहुत सारी लिड्स आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक दी गई हैं, तो आप इसको काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हो, इसका प्राइस है गाइस 20 रुपीज। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास है बहुत सारे शार्पनर्स, ये हॉर्स वाला शार्पनर है, इधर से पेंसिल डाल के आप शार्प कर सकते हो और बाद में ऐसे खोल के कचरा निकाल के बाहर फेंक सकते हो, इसका प्राइस है 15 रुपए। और उसके बाद गाइस हमारे पास है डोम्स का कार वाला शार्पनर और सॉरी इरेजर, और ये तो गाइस आपने लगभग सभी ने ये देखा ही होगा, और इसका प्राइस है 10 रुपए, और ये भी मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ, तो ये देखिए ये रही हमारी कार वाली सुपर कार वाली इरेजर, ये देखिए सुपर कार की तरह ये नजर आती है, और आप चाहे तो इसको अलग भी इस तरीके से कर सकते हैं और चाहे तो वापस से बाद में इसको इस तरीके से जोड़ भी सकते हैं, तो ये कैसी लगी कार वाली इरेजर जरूर बताना 10 रुपए में। इसके बाद गाइज हमारे पास है आप सबके लिए बहुत ही अलग चीज, वो है एक चाबी, ये देखिए गाइज ये चाबी जैसा दिखने वाला एक पेन है, ये देखिए एकदम रियल चाबी की जैसे नजर आता है बट ये एक पेन है, इसको आप ऐसे खोलेंगे और ऐसे खोल के आप इसको यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से लिख के यूज कर सकते हैं, और ये पेन जो है हमने चाबी वाला ये भी हमने 30 रुपीज में लिया है, कैसा लगा जरूर बताना, अगर आपके पास भी ऐसा पेन है और ये कैसा लगा पेन ये भी जरूर बताना। और इसके बाद गाइस हमारे पास है एक यूनिकॉर्न वाला पेन, ये देखिए इधर बहुत ही बढ़िया यूनिकॉर्न बना हुआ है और ये व्हाइट कलर का पेन है, और इसको यूज करने के लिए आपको इसकी कैप को ऐसे हटाना होगा और आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो, बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये क्या लगा हुआ है, ये गाइस इसकी निब का कवर है, ये देखिए रबर का कवर होता है, इसको आप जब यूज नहीं करना है तो इसको आप ऐसे लगा करके छोड़ सकते हैं, जब आपको यूज करना हो तो आप इसको हटा के यूज कर सकते हैं, तो जो न्यू पेन होते हैं उसके अंदर ऐसे लगा हुआ आता है, तो ये हमारा जो है 50 रुपए का यूनिकॉर्न वाला पेन है। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास है डाइस वाला शार्पनर, ये देखिए ये डाइस जैसे जो लूडो की डाइस होती है वाला शार्पनर है ये देखिए, और इधर से जो है ये यहाँ से आपको दो दो होल मिल जाता है पेंसिल शार्प करने के लिए, यहाँ से एक मोटी वाली पेंसिल शार्प कर सकते हैं और यहाँ से पतली वाली, और इसको आप ऐसे खोल के बाद में इस कचरा जो है बाहर फेंक सकते हैं, इसके अंदर दो दो ब्लेड दिए जाते हैं, ये हमारा 30 रुपीज वाला शार्पनर है, काफी बढ़िया यूनिक शार्पनर ये होता है गाइज। इसके बाद गाइज हमारे पास है बहुत ही बढ़िया एयरप्लेन वाली इरेजर, ये एयरप्लेन जैसी दिखने वाली एक इरेजर है, बिल्कुल रबर की है ये, और इससे आप इरेज भी कर सकते हैं और इसके साथ आप खेल भी सकते हैं, इधर एयर चाइना लिखा हुआ है, इधर मेड इन चाइना, ये मेड इन चाइना इरेजर है, इनको आप 3D इरेजर्स भी बोल सकते हो, और ये 10 रुपए की हमने खरीदी है। इसके बाद गाइस हमारे पास है स्पाइडरमैन वाली शार्पनर, ये देखिए बॉल जैसा लग रहा है बट इधर से आप जो है पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और इधर से स्पाइडरमैन बना हुआ है और बाद में इसे खोल के कचरा बाहर फेंक सकते हो ये देखिए। और सेम हमारे पास ऐसे दो और हैं, ये एक स्माइली वाला शार्पनर है और एक ये बास्केटबॉल वाला शार्पनर है, तो दोनों के दोनों इधर से शार्प होते हैं और इस तरीके से ही दोनों जो है खुल जाते हैं, ये भी ऐसे खुलता है और ये वाला भी ऐसे ही खुलता है, तो तीनों सेम तरीके से ये भी काम करते हैं, इनके प्राइस 10-10 रुपए हैं। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास पूदा बेयर वाला एक शार्पनर है, ये पूदा बेयर है
और इसके वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। तो इधर से पेंसिल डाल के आप शार्प कर सकते हैं, सारा कचरा इसके अंदर स्टोर हो जाता है और बाद में इसे खोल के निकाल सकते हो सारा कचरा। ये 15 रुपए का जो हमारा शार्पनर है, थोड़ा बड़े है साइज में। और इसके बाद गाइस हमारे पास मिनी माउस वाला कीचेन है, ये देखिए, ये मिक्की माउस की गर्लफ्रेंड है मिनी माउस, उसका कीचेन है। आपने इसे स्कूल बैग, कॉलेज बैग में, घर की चाबियों में भी यूज कर सकते हो इस कीचेन को। और इसके बाद गाइस हमारे पास है डॉगी वाला शार्पनर, ये देखिए, ये एक डॉगी बैठा हुआ है, आप इसको फ्रॉग भी बोल सकते हो चाहे तो। तो इसको आप ऐसे इधर से आप जो है पेंसिल दो दो शार्प कर सकते हैं। इसके अंदर एक लॉन्ग ब्लेड दिया गया है, एक शॉर्ट ब्लेड यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए काफी बढ़िया है ये शार्पनर, ये 20 रुपीज का हमने जो है लिया है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है यूनिकॉर्न वाला शार्पनर, ये देखिए, इधर से पेंसिल डाल के आप शार्प कर सकते हैं, ये देखिए एकदम यूनिकॉर्न फिश वाला यूनिकॉर्न ये नजर आता है, इधर फिश जैसी टेल है और यहाँ पर एकदम कितना प्यारा ये शार्पनर लग रहा है। और आप ऐसे इसकी कैप को हटा करके जो है कचरा बाहर निकाल के फेंक सकते हो। 25 रुपीज में हमने ये वाला यूनिकॉर्न वाला शार्पनर लिया है। इसके बाद है गाइस हमारे पास फीट वाला एक बहुत ही बढ़िया शार्पनर, इधर से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और बाद में सारा कचरा ऐसे निकाल के फेंक सकते हो, ये 10 रुपए का है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है गेमिंग रिमोट वाला, जो गेमिंग रिमोट होता है वाला शार्पनर है, इधर से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और कचरा बाद में ऐसे खोल के निकाल के फेंक सकते हो आप। और इसके बाद गाइस हमारे पास देखिए एलिफेंट वाला शार्पनर है, ये देखिए, ये एलिफेंट की नोज को आपको इस तरीके से हटाना होता है और इसको हटाने के बाद में आप पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और जब आपकी पेंसिल शार्प हो जाए तो वापस से आप एलिफेंट की नोज को ऐसे लगा सकते हो और यहाँ से पीछे से खोल के जो सारा कचरा इसके अंदर भर जाएगा, दिखेगा भी आपको, वो आप बाहर फेंक सकते हो बाद में। 20 रुपीज का ये भी शार्पनर है गाइस। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास है बहुत ही बढ़िया ये गाइस, ये देखिए हथौड़ गिट, इसको क्या आप कुल्हाड़ी वाला पैन बोल सकते हो या फिर हथियार वाला आप इसको पैन बोल सकते हो। इसको यूज करने के लिए ऐसे हटाना है और आप ऐसे इसको ऐसे यूज कर सकते हो, ये देखिए, और बाद में ऐसे लगा के रख सकते हो। अरे शार्प नहीं होता है तो इससे चोट वोट लगने का भी खतरा नहीं होता है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है रैबिट वाली इरेजर, ये देखिए रैबिट शेप की बनी हुई है ये इरेजर है, ये 10 रुपए की इरेजर है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है आउल वाला शार्पनर है, ये 20 रुपीज का शार्पनर है, इसके अंदर दो दो पेंसिल आप शार्प कर सकते हो डाल के और जो कचरा इसके अंदर ही स्टोर हो जाता है, एक लॉन्ग ब्लेड शॉर्ट ब्लेड इसके अंदर दिया जाता है। और ये जो शार्पनर है ये 20 रुपीज का है आउल वाला शार्पनर। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास क्या है गाइस। अब मैं आपको बिल्कुल क्लोज से आपको बाकी की चीजें दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारे पास ये 10 रुपए वाली यूनिकॉर्न की इरेजर है, ये देखिए काफी बढ़िया 3D इरेजर है, ये बहुत ही बढ़िया है ये। और इसके बाद गाइस हमारे पास ये देखिए बीटल वाला एक लेडीबग वाला हमारे पास शार्पनर है, इधर से पीछे से शार्प कर सकते हो आप इसको पेंसिल को अपनी, और ये देखिए कुछ इस तरीके से नजर आता है। इसके बाद गाइस हमारे पास ये मरमेड वाली इरेजर है, ये भी हमने जो है 10 रुपए में ली है। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास ये डोम्स का इरेजनर, इधर से आप पेंसिल शार्प कर सकते हो और ये कैप को हटा के यहाँ से इरेजर को यूज कर सकते हो। इसका प्राइस भी है गाइस आई थिंक ये 15 या 20 रुपए के आसपास का जो ये आता है। इसके बाद गाइस हमारे पास देखिए 10 रुपए वाली आइसक्रीम वाली इरेजर है, बिल्कुल रियल आइसक्रीम की तरह ये जो इरेजर नजर आती है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है मिक्की माउस वाला शार्पनर, इधर से आप जो है पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो, ये भी जो है 10 रुपए वाला शार्पनर है। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास ट्यूब वाला शार्पनर है, इधर से पेंसिल डाल के आप शार्प कर सकते हो और बाद में इसको ट्यूब को खोल के कचरा बाहर फेंक सकते हो। इसके बाद गाइस हमारे पास ये देखिए सुपर कार वाली ये पुल बैक एक्शन वाली सुपर कार है, ये देखिए 30 रुपीज की हमने ली है। और इसके बाद गाइस ये देखिए बेंटन वाले हमारे पास इरेजर है चार, ये भी हमारा जो है 20 रुपए में 4 इरेजर आती है। और उसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास चप्पल वाली इरेजर है, ये देखिए ये चप्पल एकदम रियल चप्पल जैसी ये इरेजर नजर आती है, ये 20 रुपीज की है। और इसके बाद गाइस देखिए हमारे पास फ्लास्क पेचकस वाली इरेजर है, ये देखिए ये बिल्कुल रबर की इरेजर है, इनको आप कार्टून इरेजर भी बोल सकते हो, ये 20 रुपीज की इरेजर है। और ये देखिए गाइस हमारे पास जो है 20 रुपीज में यूनिकॉर्न वाली इरेजर भी है, ये देखिए दो दो हमारे पास यूनिकॉर्न वाली इरेजर है, एक ब्लू एक पिंक। और इसके बाद गाइस देखिए गाइस हमारे पास एक 3D इरेजर है, क्या कहते हैं इसको, एस्ट्रोनॉट वाला जो कि अंतरिक्ष में जाता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये नजर आती है। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास है टर्टल वाली इरेजर, ये भी 10 रुपए की आती है। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास इरेजर है जो कि कुछ इस तरीके से बिस्किट शेप में आती है और ये बिल्कुल देखने में एक रियल बिस्किट की तरह ही ये इरेजर नजर आती है, ये देखिए हमने निकाल ली है। और ये देखिए जितनी भी इरेजर है ये देखो रियल बिस्किट की तरह नजर आ रही होंगी, बट ये एक इरेजर है, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये मुड़ भी जाती है। ये 30 रुपीज में हमने जो है ये वाला बिस्किट वाला इरेजर का सेट खरीदा है। उसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास वेजिटेबल और फ्रूट्स वाली इरेजर है, कैरेट वाली है,
ये हमारे पास बनाना वाली है, ये पाइनएप्पल वाली है और एक ग्रेप्स वाली इरेजर भी हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास है आप सबके लिए एक रैबिट वाला पेन, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है, फिर से आपके लिए दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। इसके अंदर हमें ग्रीन, पिंक, स्काई ब्लू और ग्रे कलर देखने के लिए मिल जाता है। और इसको आप कुछ इस तरीके से इसको बटन को प्रेस करके इसके निब को, न्यू निब को बाहर निकाल सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ये 20 रुपीज़ का पेन है और मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें गाइज दिखा दी आज के वीडियो में। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा देखने में, मुझे भी आप सबको ये सब चीज़ें दिखाने में बहुत मज़ा आया। और अगर मज़ा आया तो वीडियो को कर देना लाइक, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना दोस्तों के, तो वो भी इंजॉय कर सके। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाय बाय।